अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो बन रही है शाम से, तो अभी मैं बना रही हूँ अफ्तारी। और अफ्तारी में टाइम आज, क्योंकि आज मुझसे चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, और अभी भी मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, बहुत मुश्किल से खड़ी हुई हूँ। पैरों में बहुत सूजन सी आ गई है, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैंने सोचा रोजे से तो खैर कोई है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो बनाना पड़ता है, और एक दो घर भेजना लाजमी होते हैं क्योंकि इससे बरकत रहती है घर में। तो मैं एक दो घर जरूर भेजती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिंगर रखे, यहाँ पर पापड़ करूंगी। और आज मम्मी ने बनाए थे करेले, जो कि मम्मी ने तो फटवा दिए। और फिलहाल आज मैं कुछ और नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए फिंगर बना देती हूँ, और वही फिंगर और पापड़ में। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या वैसे अच्छी नीयत से कुछ भी बांटो, थोड़ा बांटो, जरूर बांटो, इससे बरकत भी रहती है। और जरूरी नहीं है बहुत, अगर जब बहुत होता है तब मैं बहुत भी बांट देती हूँ, और कम होता है तो कम भी बांट देते हैं। तो फिलहाल अभी मैं जल्दी से चिप्स तल लेती हूँ, और फिंगर बॉईल हो रहे हैं अभी। फिंगर से नहीं बनाती हूँ। क्यों? फिंगर कैसे वाले बाजार वाले अरे वो पीछे से खीर आई थी ना, इतनी गरम गरम मैं दोनों हाथों में बैलेंस करके लेके गई। मैंने कहा भी था कटोरी में ले जाओ। नहीं कहा था, प्लेट में। मैंने पीछे ही कह दिया था कि प्लेट में लेके जाना। डब्बा तो उसके ऊपर है। क्यों, मैं निकाल नहीं पाऊंगी? मैं देखूंगा। अम्मी इसको छूने तो मजा आ जाएगा। ये एमी अब मेरे हाथों से बहुत ज्यादा पिटने वाली है, और जीनू भी। क्यों? मैंने तो वीडियो बनाई। एग्जाम आ रहे हैं, जीनू बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही है। हाँ, तो अब इस टाइम अफ्तार के टाइम तो मैं पढ़ना दिख रहा था, और दिन भर से खेल रही थी तुम। ये हमारे फिंगर फ्राई हो रहे हैं। फ्राई होंगे, और क्या होंगे? और क्या होंगे, और क्या होंगे? तलेंगे। एमी मान जाओ। एमी चले, आज हमारी अफ्तारी थोड़ी सी। सिर पे दुपट्टा तो डाल लिया करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज हम बना रहे हैं अफ्तारी में, आज है चौथा रोजा, और मैंने सिर्फ एक ही वीडियो डाली है। और यहाँ पे देखिए मेरे चने बॉईल हो रहे हैं, तो थोड़ी सी मैं ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ चने की चाट। तो मैंने सोचा थोड़ी सी, आज जुमा है, आप सबको मेरी तरफ से रमजान का पहला जुमा मुबारक हो। तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं दुखी भी हूँ क्योंकि मैं रोजे नहीं रख पा रही। लेकिन ठीक है, इबादत में कर रही हूँ, लेकिन कल मैं नहीं कर पाई थी इबादत, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अभी पहले मैं कुकर लगा देती हूँ, फिर आप सुन। तो आज ना मैं पापड़ नहीं थे, चिप्स थे, जो कि मैंने पिछले साल करे थे इन्हीं दिनों रमज़ान में। पहले रोजे को मैंने किए थे पूरे 30 किलो के चिप्स, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत सारे हो गए थे। हमने पूरी साल खाए, और मेरे जो ऊपर जो ये दो बड़े बड़े डिब्बे रखे हैं ना, वो फुल भरे हुए हैं, सिर्फ दो ही हैं, ज्यादा नहीं है। तो अभी मैंने ना पापड़ मंगवाए, क्योंकि चावल के पापड़ हमेशा मेरे मायके से आते थे, बट अभी इस टाइम मैं भी नहीं गई, और जो पापड़ बनाती हैं वो अभी इस टाइम बना नहीं पा रही हैं, उनके पैर टूट गया है, तो बहुत मुश्किल हो गई मेरे लिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं ये दो तरीके के पापड़, एक टमाटर के हैं और एक शायद मेथी वगैरह के हैं, और ये चावल के आटे के हैं, और लेकर आए हैं मूंग की दाल के पापड़, जो कि उन्हें पता है मुझे मूंग की दाल के पापड़ और चावल के पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और बच्चों के लिए लेकर आए हैं ये पास्ता वाले और एबीसीडी, जो कि मैं आज सारे थोड़े थोड़े से तलूंगी, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सिर्फ चिप्स खा रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, और मैंने आज ही गई और वो आज ही लेकर आ गए। तो अभी मैं चने की चाट बनाऊंगी, और तो चले उसके लिए मैं
सामान वगैरह काटा कूटी कर लेती हूँ। और अनार, बस सबसे खतरनाक काम मुझे अनार छीलना होता है, तो मैं इसको छील लेती हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है। 2 घंटे हैं, अभी हो रहा है 4:30, तो बहुत ज्यादा टाइम है अभी मेरे पास। मैं अभी अनार छीलूंगी, फिर उसके बाद नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद ये चाट वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अपना तलने का काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं पापड़ तलूंगी, और ये मैंने चावल के पापड़ तले। अच्छा, ये मैंने टेस्ट करके देखे चावल के पापड़, तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मुझे ना अपने घर के पापड़ पसंद आते हैं, और लेकिन ये गोल वाले जो छोटे छोटे पापड़ थे ना, वो माइंड ब्लोइंग थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, मतलब उनको अलग ही टेस्ट लग रहा था उनका। और ये मैंने बच्चों के लिए ABCD वगैरह ये सारे पापड़ आज मैंने तल दिए हैं, और थोड़े बहुत मैं उसमें भी बांट दूंगी। और यहाँ पर मैं चने की तैयारी करने लगी हूँ, तो बस टाइम का पता ही नहीं चलता, बहुत स्पीड से टाइम निकलता है, और मैं पता नहीं क्या बड़बड़ कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने स्पीड कर दी थी तो मेरी आवाज़ ख़राब हो गई थी, वो मैंने फिर आवाज़ हटा दी। तो यहाँ पर मैंने आलू के साथ डाल रही हूँ, क्योंकि आलू के साथ बहुत अच्छे। और आज ही देखें आप, लहसुन ख़त्म हो गया, मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि लहसुन नहीं है घर में, और मैं इसमें लहसुन ज़रूर डालती हूँ पीस कर, जो कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बट कोई बात नहीं, फिर मैंने नहीं डाला, और फिर बस मैंने इसमें सारे ड्राई पाउडर ऐड करके, अमचूर पाउडर, आलू वगैरह सब डालकर मिक्स कर दिया है। हरा धनिया डालकर भी मिक्स कर दूंगी लास्ट में। अभी मैं इसको अच्छे से आलूओं को मिक्स कर दूँ। क्या है ना, आलू डालने से चने एकदम रूखे रूखे नहीं लगते, वरना फिर खिलते नहीं। हमारी अब तैयारी हो गई, डन अनार। अच्छा, हमने पपीते और भी काटे थे, लेकिन बच्चों ने पपीते खा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी अब तैयारी रेडी हो चुकी है, और ये चने, अनार, और मैंने थोड़ी सी भेलपूरी भी बनाई हस्बैंड के लिए। और बस ये थी आज की हमारी अफ्तारी, 4th रोज़ा। तो मैंने अफ्तारी भी बंटवा दी है, थोड़ी सी बंटवाई, लेकिन फिर भी दिल खुश हो जाता है। तो मैं बना रही हूँ आलू हरी मिर्चों के, तो मैंने यहाँ पर आलू भी काट कर रखे हैं। बस अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, थोड़ी सी तैयारी और रह गई है, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा बैठ कर अपना काम करती हूँ। और आज ना मैंने सिपारा भी नहीं पढ़ा है, सो मुझे आज एक सिपारा तो पढ़ना ही पढ़ना है, कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो। और आज जुमा है ना, इतने सारे कपड़े कि क्या ही बताऊँ मैं। जब आएंगे ना छत पे से उठ के, तब मैं आपको दिखाऊंगी कपड़े कितने सारे। चलो, मुझे वॉमिटिंग सी हो रही, मन हो रहा है, पर मैं सोच रही हूँ मैं सब्जी बना लूँ, उसके बाद रेस्ट करूँ। यहाँ पर मेरी आलू की सब्जी भी डन होने वाली है। आज मैंने बिल्कुल सादा सी आलू की सब्जी बनाई है, बैठ जाओ अब आप भी। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है, और मॉर्निंग के तो काफी टाइम की हो गई, बच्चे स्कूल भी जा चुके हैं, और ये देखें इतने सारे कपड़े कल मैंने धोए थे, और फिर इनको अभी बहुत सारे हैं, मतलब अभी इनको तय बनाना है, लेकिन उससे पहले मुझे पढ़ना है कुरान पाक, क्योंकि आज मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा। वैसे मैं इसी टाइम पढ़ती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो बस अपना चाय नाश्ता करने के बाद मैं भी कुरान पाक लेकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर दिन भर मुझसे नहीं हो पाता, या फिर मैं ये रात में मेरे हस्बैंड तरावी पढ़ने जाते हैं उस टाइम पढ़ती हूँ। ये 2 टाइम ऐसे हैं कि मैं अपने कुरान पाक के लिए निकाल लेती हूँ, उससे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता इसीलिए। और अभी मैं अपनी ड्रेस चेंज करती हूँ, बिकॉज अभी मैं पहने हूँ लोअर टी शर्ट, बिकॉज इसलिए पहनती हूँ क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आती, उल्टे सीधे कपड़ों में कुर्ता इधर जाता है उधर जाता है, तो वैसे तो मैं सलवार सूट पहनकर आराम से सो सकती हूँ, सोती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं पहना जा रहा, और मेरे सारे कपड़े छोटे हो गए, कुछ भी कपड़े नहीं आ रहे, और मैंने अभी सर्दियों के सिलवाए थे, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ सिलवाऊं कि नहीं सिलवाऊं, तो मैंने 2 सूट तो अपनी सास के ले लिए हैं पहनने के लिए। और हमेशा ऐसे होता है जब भी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ, मतलब
एमी जीनू के टाइम ना मैंने दोनों के टाइम अपनी सास के, अपनी दादी सास के सबके कपड़े पहनती हूँ मैं। तो बस अभी मैंने दो सूट उनके ले लिए हैं, एक हाथ मेरा ढीला ढाला सा है तो वो पहन लेती हूँ। बस अल्लाह से दुआ करें कि बस ये महीना मेरा बहुत अच्छे से निकल जाए, क्योंकि मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो रही है। पूरे 9 महीने, मतलब ये मेरा भी 8वां महीना चल रहा है, और मतलब अभी तक मुझे चैन की सांस नहीं आई कि मतलब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा ऐसा जी हो रहा है अजीब सा। 1 घंटे से सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, क्योंकि कल की मैंने एंड नहीं की थी। सो बस मैंने सोचा आप आज एंड कर देती हूँ, हमेशा वीडियो एंड नहीं कर पाती हूँ मैं, इसी वजह से कि मैं थोड़ी बहुत वीडियो बड़ी मुश्किलों से बना पाती हूँ। अभी मैंने सारा घर का काम भी करना है तो धीरे धीरे काम करती हूँ मैं, जिससे कि मुझे दिन के 2 बज जाते हैं, बस नमाज का टाइम हो जाता है, नमाज पढ़ के फिर मैं दिन में सो जाती हूँ। सोती अभी मुझे 4 दिन से नींद आने लगी है दिन में, वरना 2 महीने से तो मेरी नींद भी गायब हो गई थी। ना मुझे रात में नींद आ रही थी, ना मुझे दिन में नींद। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अभी 4 दिन से नींद आ रही है पहले रोजे से, तो बहुत शुक्र। रमजानों में मुझे एक फायदा हुआ कि मुझे नींद आने लगी। अब मैं बस जाती हूँ कपड़े चेंज करके, अब कुरान पाक पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद करूंगी घर का काम। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करें। वहां पर मैं इतना ज्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मेरे हस्बैंड वीडियो बनाते हैं थोड़ी बहुत, मैं बिल्कुल नहीं बना पा रही। ठीक है, ये कपड़े देख देख के मैं सोच रही कि तय कैसे होंगे, क्योंकि इतनी देर मुझसे बैठा नहीं जाएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।